मातृ सदन के स्वामी आत्मबोधानंद का अनशन 194 दिन बाद समाप्त हो गया। स्वामी आत्मबोधानंद को एसडीएम सदर कुसुम चौहान ने जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। स्वामी आत्मबोधानंद 2 बार जल छोड़ने की चेतावनी भी दे चुके थे। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए जिन मांगों को लेकर स्वामी आत्मबोधानंद पिछले 194 दिनों से अनशन पर थे, उनकी मांगों पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के डीजी ने लिखित आश्वासन दिया और जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की बात कही। डीजी के द्वारा मातृ सदन के स्वामी शिवानंद को दिए गए पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि उनकी मांगों के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। नमामि गंगे के डीजी के आश्वासन के बाद स्वामी आत्मबोधानंद ने अपना अनशन समाप्त कर लिया। उत्पल कुमार जी को भी पत्र लिखा है उन्होंने कि आप खनन और अथी को तत्काल बंद करें। ये पत्र है 29 अप्रैल का। उसके बाद 25 तारीख के बाद जो काम सब किए हैं उनकी हमको एक ब्यौरा दे दिए हैं। आपके साथ जाने के बाद हमने क्या क्या काम किया है, तो उसने उत्पल कुमार को भी लिखे हैं, डीएम को भी लिखे हैं और सीपीसीबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखे हैं। इसको भी एक्सक्यूट करें। पर जो स्वामी आत्मबोधानंद जी थे और स्वामी पूर्णानंद जी थे, ये लगभग 194 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे, तो इनकी कतिपय मांगे थी जिसके संबंध में जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उनकी तरफ से कोई लेटर आया और हम लोगों के द्वारा वार्ता की गई, उनसे उनको लेटर दिखाया गया, तो उसके उस पर उनके द्वारा आज अपना जो अनशन है वो समाप्त कर दिया गया है। किंतु उनको जो गंगा नदी पे जो डैम बने हुए हैं उनको लेकर उनकी मांगे थी उनको इनको क्लोज किया जाए, साथ में जो इलीगल माइनिंग था कि इलीगल माइनिंग जो हो रहा है उसको बंद करने का, माइनिंग है जो गंगा का स्ट्रेच है इसमें माइनिंग बंद करने का था, तो उसके संबंध में उनको अवगत कराया गया कि हमारे स्तर से जो लगातार जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो लगातार की जा रही है और साथ में जो स्वच्छ गंगा मिशन का जो उनके पत्र आया है उसके क्रम में उनके द्वारा आज अपना अनशन जो है वो समाप्त कर दिया गया। 24th डे थे और जो 25 तारीख 25 अप्रैल को जो राजीव मिश्र जी नमामि गंगे जी डीजी हैं उन्होंने आके वार्ता की है और उसके थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में जो आज लिखित में उन्होंने दिया है कि हम बांधों पर जो है उसी वार्ता के अनुरूप बांधों पर आगे का कार्रवाई होगा और खनन पर NMCG का पूरा एक्शन लिया गया है और उसका कुछ विवरण भी दिया गया है, तो इस तरह का सकारात्मक एक मूव किया है NMCG की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो उसके तहत अनशन को फिलहाल विराम दिया गया है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।